हे एवरीबॉडी, तो कैसे हो सारे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मर्ज सॉर्टेड एरे प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या गिवन है ये मैं बता देता हूँ आपको। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज नम्स वन एंड नम्स टू सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एरेज दिए हुए हैं जिसका साइज दे रखा है एम एंड एन। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, दोनों ही एरे को मर्ज कर देना है। बहुत आसान लग रहा है सुनने में, बट ये इन प्लेस ऑर्डर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इन प्लेस पे सॉर्ट करना है। दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। देखो, नम्स वन एंड नम्स टू इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे नम्स वन। मतलब देखो, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। ठीक है, वॉइड मर्ज का मतलब क्या है, ये आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा। ठीक है, फिर क्या करना है हमारे को, नम्स वन के अंदर ही सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना है जितनी भी सॉर्टेड होती हैं। ठीक है, तो वो अपने आप ही रीड कर लेगा नम्स वन को अगेन, जो हमारी बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन के, नाउ टू अकोमोडेट दिस नम्स वन हैज़ अ लेंथ ऑफ एम प्लस एन, यानी कि उसने ऑलरेडी दे रखी है जो एम प्लस एन है। ठीक है, इसकी लेंथ। नाउ यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ आपको गिवन एग्जाम्पल है, जैसे देखो 1 2 3 0 0 दे रखा है, यानी कुछ जो m को, m क्या दे रखा है, 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड दे रखे हैं। बाकी जितने भी n एलिमेंट्स हैं n इक्वल टू 3, वो सारे क्या है, 0 नम्स वन में। ठीक है, क्योंकि एरे स्टैटिक टाइप है तो इसका साइज कभी चेंज तो होगा नहीं, इसलिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इसका साइज। नम टू क्या है हमारा, 256। सिंपल। नाउ अब चलते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। और इस प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं, एक नूब कैसे कोड लिखता है और एक प्रो कोडर कैसे कोड लिखता है। ठीक है, लॉजिक दोनों का ही सेम होता है, वो भी आपको डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, दो सामने आपको आंसर दिख रहे होंगे। एक आंसर आपको कितने का लाइन का दिख रहा है, एक आंसर आपको दिख रहा होगा इन जस्ट अ 5 लाइन्स। ठीक है, 5 लाइन का कोड है ये बस। ठीक है, और एक ये जो नूब लिखता है, ठीक है, नूब कोडर। नाउ दोनों की अगर देखोगे, देखो कोडर में दोनों ही प्रॉब्लम ही आपकी सही है, दोनों ही सॉल्यूशन आपके सही है। प्रॉब्लम बस ये है कि उसने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाई है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नो हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, कि क्या है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कभी सोच नहीं पाओगे। सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक एरे वन दे रखा है। इसमें क्या है, 1 2 3, बाकी 3 एलिमेंट्स हमारे को 0 दे रखे हैं। कितने, ये m है और ये n है। ठीक है, a2 हमारे को दे रखा है, वो क्या है, 2 5 6। ये हमारे को क्या है, n है, और ये n दोनों ही इक्वल है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं a2 में, उतने ही 0 हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ जो a1 का साइज है वो क्या है, m प्लस n। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मेरे को मर्ज करने को बोलता, ठीक है, मर्ज अगर करने को कोई बोल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, देखो एक न्यू एरे बना लो। ठीक है, न्यू एरे में, मतलब ये चीटिंग में करना आपको सिखा रहा हूँ, यूँ समझ लो। न्यू एरे में फर्स्ट वैल्यू को, दोनों को 2 पॉइंटर रख लो, और 2 पॉइंटर से दोनों वैल्यू को चेक कर लो। ठीक है, कि A1 की 0 इंडेक्स की वैल्यू A2 के 0 इंडेक्स की वैल्यू से इक्वल है। अगर वो इक्वल है, या बड़ी है या छोटी है, जो कंडीशन लगाओ। ठीक है, मान लो A1 लेस देन A2 है, तो A1 की ऐड कर दो, अदरवाइज एल्स A2 की ऐड कर दो। ठीक है, फिर दोनों को इंक्रीज कर दो। ठीक है, दोनों को इंक्रीज कर दिया, फिर चेक कर लिया ना, जो बड़ी है वो पहले डाल दो। ठीक है, सॉरी, जो छोटी है वो पहले डाल दो, और बड़ी वाली बाद में डाल दो। ठीक है ना, फिर उसके बाद चेक कर लो 3 5, ऐसे करते करते आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 2 3 5 6, मतलब पहले इससे चेक कर ली, ये ऐड कर दी, फिर इसको इंक्रीज कर दिया, इन दोनों को, फिर इसको, मतलब ऐसे करते करते आप एक नए एरे में वैल्यूज़ को डाल सकते हो। फिर A1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, एक ही हो गया। बट प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम ये कहती है आपको, बिगो ऑफ m प्लस n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इतने टाइम में और इतने कॉन्स्टेंट आपको स्पेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है ना, यानी कि हम एक न्यू एरे नहीं बना सकते। पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सोचने की कोशिश करो, एक मैंने एक लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, रिमूव डुप्लीकेट्स, वो भी सेम टाइप का था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ को रिमूव कर रहे थे, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी। ठीक है ना,
उसमें भी क्या हो रहा था, इन प्लेस हो रहा था, यहाँ पे सेम ये वैल्यू हट जा रही थी, फिर ये 2, 3, 5 आगे आ जा रही थी। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसमें सोचना। इसमें कैसे हमारे को, ये हमारा रफ था, काट दो, ठीक है ना। इसमें हम कैसे सोचेंगे, हमारे को A1 है, क्या है 1, 2, 3, 000, ठीक है। A2 हमारे को दे रखा है 2, 5, 6, ठीक है। हम एक चीज़ सोच सकते हैं A1 में, जहाँ पे हमारे को वैल्यूज को रखना है, यूँ मान लो A1 में हमने क्या है इसको इमेजिनरी, मैंने जैसे कि आपको बताया था इमेजिनरी मान लो, जितने भी साइज का 2, 4, 6, ठीक है, m+n का हमने क्या मान लिया इसको, इमेजिनरी मान लिया। मैं बोल रहा हूँ कि दो पॉइंटर रख लो, हमारे को m और n पता है, ठीक है, इसका साइज क्या है m और इसका n, हमारे को ये दोनों गिवन है, ठीक है। अब मेरे को दोनों गिवन है तो आपको पता है कि साइज माइनस वन हमारा क्या होता है, एंड होता है, लास्ट इंडेक्स। इसका इंडेक्स जो होगा लास्ट वो किस पे होगा, m-1 पे, और इसका लास्ट इंडेक्स n-1 पे, ठीक है। मैं यहाँ दो पॉइंटर खड़े कर देता हूँ, ठीक है, दो पॉइंटर मैंने खड़े कर दिए, ये मेरा मान लो एक tail1 हो गया, ठीक है, फर्स्ट एरे का, और यहाँ पे पॉइंटर रख दिया मैंने इसका tail2 हो गया, ठीक है। tail2, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेक कर लेंगे, इन दोनों में चेक करके मैं आपको पता कर लूँगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा T2 है और T1, मैंने चेक किया, T1 अगर बड़ा है तो यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज एल्स कंडीशन लग जाएगी। दो कंडीशन बनाई मैंने, T1 ग्रेटर देन एंड T2, मतलब ये इफ़ कंडीशन में आ गया, ठीक है, इफ़ एल्स T2 हमारा होगा ग्रेटर देन T1 वाला। हम क्या करेंगे, अगर ये वाला बड़ा होगा तो T1 का tail1 वाली वैल्यू डाल दो और tail1 को माइनस माइनस कर दो, अदरवाइज tail2 की वैल्यू डाल दो और tail2 को माइनस माइनस कर दो। कैसे कराऊँ, मतलब एक घटा दो, सी 6 बड़ा है हमारा तो हम यहाँ 6 करेंगे, और 6 के बाद tail को यहाँ ले आएंगे T2 पे, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे tail1 और tail2 दोबारा से, कौन सा बड़ा है, 5 है, 5, फिर से चेंज कर देंगे हमारा T2 को, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 और 3 में चेक करेंगे क्या बड़ा है, 3, जैसे ही 3 बड़ा मिल गया यहाँ पे 2 पे आ जाएगा T1, फिर चेक कर लेंगे कौन सा बड़ा है, अगर इफ बड़ा हुआ तो ठीक है, एल्स में जाएगा, अगर इक्वल भी हुआ तो हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 आ गया, अब ये ख़त्म, यहाँ पे ये 1 बच जाएगा, तो ये 1 यहाँ कहाँ है, सॉरी T1 और T2, तो हमारे कितने 2 एलिमेंट बच गए, 1, 2, तो ये ऑलरेडी इसमें थे ही, ये ऑलरेडी इसमें थे ही, इनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। T2 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑलरेडी इसमें यहाँ पे हैं, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमने कोई एलिमेंट नहीं डाल रहे, ठीक है, हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं डाला, हमने कितना 2, 3, 5, 6 को सेट कर दिया, तो क्या आपको पता है 1 और 2 ऑलरेडी इसमें सेट थे, ठीक है ना। नो, अब ये हो गया हमारा ये चीज़, जब हमारा A2 पूरा ख़त्म हो रहा है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब A2 ख़त्म ना हो, मतलब जैसे मैंने बोला A1 इक्वल टू मेरा क्या है 4, 5, 6, 0, 0, 0, ठीक है, और A2 मेरा क्या है 1, 2, 3, 0 तो आएगा ही नहीं इसमें, यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसमें पंगा पड़ेगा, तो कैसे पड़ेगा पंगा, हमने क्या किया एक A1 में ही इमेजिनरी मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन, ठीक है, हमने एक पॉइंटर खड़ा कर दिया, पॉइंटर यहाँ 3 पे 6 पे, ठीक है, T2 एंड T1, अब दोनों में कंपैरिजन हुआ, 6 आ गया, ठीक है, फिर T1 यहाँ चला जाएगा 5 और 3 में कंपैरिजन होगा, 5 आ जाएगा, फिर 4, T1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 4। प्रॉब्लम देखोगे 4, 5, 6 तो हो गया, और आगे की वैल्यू हम कुछ डालेंगे नहीं, तो ऑलरेडी क्या है ये
456 है ऑलरेडी, इसमें सेट 456 है। अब एक बात बताओ, फिर ये 1 2 3 कैसे आएगा? ठीक है, जब हम चेंज ही नहीं करेंगे कुछ, तो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होगा। 456 नो, ये कैसे चेंज होगा? क्योंकि T2 हमारा हमेशा क्या है, छोटा है, और जब तक छोटा है तब तक टेल हमारा डिग्रीज होगा ही नहीं। और एक हमने लूप लगाया है जो टेल को चेक करेगा कब तक वो जीरो ना हो, यूँ मान लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे, मान लो खाली है, और हम एक तो हम रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए एक लूप लगा देंगे, वाइल कब तक टेल 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब लास्ट तक नहीं जा रही है वो टेल, उसमें क्या कर लेंगे, हम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, कहाँ पे, जो नम्स 1 है या ये जो हमारा एरे 1 है उसमें हम डाल देंगे उसके एंड से, और मतलब जहाँ भी एंड हमारा टेल करेगा, मैं बताता हूँ ये कैसे करेगा। और यहाँ पे हमारी जाएगी A2 की वैल्यू टेल 2 से, ठीक है, टेल 2 से, उसके बाद हमारी टेल 2 को हो जाएगी माइनस माइनस, और एंड भी हो जाएगी माइनस माइनस। कैसे करने की कोशिश है बता दूँ मैं आपको, ठीक है जी। और इसमें एक लूप था यहाँ वाला, इसमें भी एक लूप है, इसमें कौन सा लूप है, दोनों को चेक करेगा कि दोनों टेल बड़ी हैं या जीरो हैं उससे, राइट, T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड T2 ग्रेटर देन इक्वल टू, चलते हैं, इसमें मैंने बोला एक एंड लास्ट में, एंड इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखोगे लास्ट से वैल्यू डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, लास्ट की वैल्यू हमारे को कैसे पता चलेगी, हमने यहाँ से डालना शुरू किया, ये एंड, इस एंड का इंडेक्स होगा हमारा m प्लस n माइनस 1, और इसको हमेशा पोजीशन चेंज करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यूज इसमें पुट हो रही होंगी। ठीक है, देखो कोड लिखा हुआ है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर कोड करेंगे। देखो हमने क्या किया, एक टेल 1 जो हमारा m माइनस 1 पे है, ठीक है, टेल 2 जो हमारा n माइनस 1 पे है, एंड हमारा m प्लस n माइनस 1 पे है। हमने एक लूप लगाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लूप हमारा क्या चेक कर रहा है, टेल 1 ग्रेटर देन और टेल 2 ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक वो खाली नहीं है दोनों ही, एंड कंडीशन लगी है यानी कि ट्रू चाहिए दोनों जगह। ठीक है ना, अब क्या आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा कि अगर वो बड़ा है और इक्वल है तो हम उसको डाल देंगे नम्स 1 की वैल्यू नम्स 1 में, ठीक है, टेल वाली एंड पे ना, क्योंकि लास्ट से हम फिल करना शुरू कर रहे हैं एरे को, एल्स अगर छोटी हुई तो ये कर देंगे। ठीक है, ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये, जब तक हमारी वैल्यूज दोनों में ही हैं। अगर हमारे को एक चीज़ पता है, दोनों कंडीशन ट्रू एंड ट्रू होंगी तभी ये चलेगा लूप। ठीक है, कौन सी, अगर गलती से एक भी फॉल्स हो गई, मान के चलो टेल 2 फॉल्स हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, टेल 2 ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, अब माइनस में चला गया, तभी यहाँ पे लूप रुक जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी जो हमने केस कान लिया था यहाँ पे। थी ये जो 1 और 2 वाली वैल्यू थी वो ऑलरेडी उसमें सेट थी, तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ी अगर A2 खत्म हो जाता है, अगर A1 वाला फॉल्स हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये फॉल्स हो गया तो पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ेगा, ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है A2 अभी खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज का क्या होगा, उन वाली वैल्यूज को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज थी। अब इसी को मैं जरा कोड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 5 लाइन का, मैं तो सिर्फ 5 लाइन का कोड करूंगा। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़े वाला कोड है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब मैं चलता हूँ छोटे वाले कोड के, हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप के दो बना लेते हैं पहले, टेल 1 और टेल 2। हमने क्या किया है, एक टेल 1 ले ली है, टेल 2 ले ली है, एंड एंड ले लिया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को फिल कर रहे हैं, कौन सी वाली, 3 हमने पॉइंटर ले लिए हैं। ठीक है, एक पॉइंटर हमारा चेक करेगा किस वाली वैल्यू को, जो एरे में 1 में पड़ी है, एक एरे 2 में पड़ी है, और एक एरे 1 को जो फिल करता हुआ आ रहा है एंड से। अब यहाँ पे मैं इफ और एल्स की जगह
टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करूंगा, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर्स भी इफ एल्स की तरह ही होते हैं, नो ऑपरेटर्स की ऐसी कुछ बन जाएगी, ठीक है। नम्स वन के एंड पे हमारी नम्स वन के टेल की अगर वैल्यू बड़ी होगी तो वो डल जाएगी, अदरवाइज नम्स टू की डल जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब चलती है, कॉलन से पहले वाली, ये वाली वैल्यू जब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब हमने क्या कर देंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे को एक चीज़ चेक करनी है, हमारे को एंड भी मूव करना है और टेल भी मूव करनी है, ठीक है। हम एक क्या करेंगे, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट लगा देते हैं, सॉरी डिक्रीमेंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दी क्योंकि लास्ट से हम कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू डलने के बाद एक हो जाएगी, टेल वन एंड टेल टू कब होगी, देखो अगर टेल वन की वैल्यू डल गई तो टेल वन हो जाए डिक्रीज, टेल टू की डल गई तो टेल टू हो जाए डिक्रीज, ठीक है। नो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ को संभाल लेगा जितनी वैल्यूज़ हमारी कंपेयर होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो कंपेयर नहीं होती हैं उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सिंपल, रिमेनिंग वैल्यूज इन एरे टू, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। अभी इसकी टेल क्या हुई होगी, जीरो नहीं हुई होगी, तो टेल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि लास्ट जीरो इंडेक्स पे होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, सी यहाँ हम डाल देंगे नम्स वन के, नम्स वन के एंड पर उसको माइनस कर देंगे, कौन सी वाली वैल्यू, नम्स ऑफ टू की टेल टू माइनस माइनस, ओके बस इतना करना है आपको और ये कोड आपका रेडी है। सी रन कर लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है या कोई एरर्स हैं या बग्स हैं। सी एक्सेप्टेड, अब देखोगे आप कितने लाइन का कोड किया, दो दो चार और एक छः, सिर्फ छः लाइन का कोड है। आप चाहो तो इस वाले बॉडी को वाइल की हटा सकते हो, देखो मैं हटा रहा हूँ, स्टिल फिर भी ये चलेगा, क्यों, क्योंकि लूप या इफ कंडीशन एल्स कंडीशंस हमारी क्या होती है, एक तक चल जाती हैं, एक लाइन तक, ठीक है। देखो सी रन, अब इसको जरा मैं कर लेता हूँ सबमिट और फिर चेक करते हैं व्हाट विल बी द आंसर। शायद थोड़ा नट स्लो है, सी जैसा कि आप देख पा रहे हो रन टाइम कितना हुआ आपका, 0 मिलीसेकंड, फास्टर देन 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन सॉर्टेड एरे। मेमोरी यूज हुई हमारी 39 MB, लेस देन 54.54% जावा सॉल्यूशंस, ठीक है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आप चाहो तो एक बार रिवाइज करवा सकता हूँ, इसी कोड में हमने क्या किया है, सबसे पहले टेल वन और टेल टू ले लिए, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक फर्स्ट वाले एरे की टेल को रखे हैं, एक सेकंड वाले एरे की, और एक एंड लिया है हमने, जो फर्स्ट वाले ही एरे को हमने एज्यूम किया है जिसका एंड है जो एम प्लस एन माइनस वन है, ठीक है, जो हमारा इमेजिनरी एरे मान लिया जो हमने, ठीक है। यूँ मान लो टेल वन ले लिया और टेल टू, दोनों ही जब तक जीरो नहीं हो जा रही, ठीक है, तब तक चलेगा। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाती है तो वहीं रुक जाएगा स्टॉप। अगर हमारे सेकंड एरे में वैल्यू बची होगी तो उसको हमने डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नम वन की वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर डली हुई है और वो सॉर्टेड है, ठीक है। ये थी हमारी प्रॉब्लम, ओके नम, और ये सॉल्व हो चुका है हमारे इतने लाइन्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन वन था, ओके नम, ये हमारा सॉल्यूशन टू था, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन ठीक है, दोनों ही ओ एम प्लस एन ही कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारी लाइन है और उसमें सिर्फ 5 लाइन है, ओके। तो बस इस वाली प्रॉब्लम को यहीं पे रखते हैं क्लोज, कुछ और रह गया हो तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ओके। जाओ और वीडियोस को भी चेक आउट कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जाओ जल्दी से ट्राई करो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।